अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे एंड आई होप सो आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। और अगर वाकई आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा जी, तो आज की जो रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत मज़ेदार है। मैं बनाने जा रही हूँ जिंजर चिकन। ये हमारे घर में सबका फेवरेट है, ये बहुत टेस्टी बनता है। तो हम बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन 1/2 kg। इसको क्यूब्स में कट कर लेना है। 4 to 5 tablespoons लेने हैं ऑयल के। 3 मैं ले रही हूँ पीसेस जिंजर के। 4 to 5 चम्मच ले रही हूँ लहसुन, 1 लेमन, 1 हरी मिर्च, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो स्पाइसेस में हमारे पास जाएगा 1/2 teaspoon सॉल्ट, 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर, 1/2 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 1/4 teaspoon क्रश्ड रेड चिली, 1/4 teaspoon जाएगा ब्लैक पेपर और 1/2 teaspoon जाएगा हमारे पास ज़ीरा। और इसके अलावा हमने डालना है योगर्ट 3 tablespoons। तो ये हो गए हमारे सारे इन्ग्रीडियंट्स। अब हम कटिंग कर लेते हैं। बाकी सब चीज़ों को हमने बिल्कुल फाइन चॉप किया है, लेकिन अदरक को हमने लंबी लंबी शेप में काटना है। अच्छा जी, तो अब हमने सब चीज़ों की कटिंग कर ली है। हमने हाई फ्लेम पर रखना है पैन और उसमें ऐड करना है ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा उसमें हमने ऐड करना है लहसुन और अदरक जो हमने काट के रखा हुआ है, उसको हमने लाइट गोल्डन करना है। तो जी ये चला गया लहसुन और अदरक। अब हमने इसको सॉटे कर लेना है। इसको इसका कलर हमने लाइट गोल्डन रखना है। इसको ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना वरना जो सालन का कलर बनेगा वो ब्लैक में चला जाएगा। काफ़ी डार्क सालन का कलर आएगा। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। अब हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर लिया और इसको थोड़ा सा और पकाना है। तो जी अदरक और लहसुन हो गया गोल्डन। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, उसको सॉटे कर लेंगे। जब चिकन वाइट हो जाए तो हमने काले मिर्च और ज़ीरा पाउडर के अलावा जो स्पाइसेस हैं उनको ऐड कर लेना है। उसको अच्छे से हमने करना है मिक्स। देन वी विल कवर इट फॉर 5 minutes ताकि चिकन अपना पानी छोड़ दे। तो जी 5 मिनट गुजर चुके हैं, चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं योगर्ट। फिर इसको मिक्स करने के बाद हमने कवर कर देना है इसको फॉर 2 मिनट्स। आफ्टर 2 मिनट्स हमने ढक्कन उतारना है और इसके पानी को हमने ड्राई कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अब इसमें सिर्फ ऑयल है। नाउ वी विल ऐड आवर चॉप्ड टमाटोज। अब हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। जो जिंजर चिकन का मसाला है वो टमाटर से बनता है। नाउ वी विल ऐड आवर लेमन जूस। और फिर इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करना है फॉर 5 मिनट्स।
ताकि जो टमाटर है वो नरम हो जाए। इसको हमने लो फ्लेम पर रखना है। तो जी 5 मिनट गुजर चुके हैं, हमने इसका ढक्कन उतार लिया है। आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब हमने अपने स्पैचुला से टमाटरों को कर लेना है मैश, ताकि इसका अच्छा सा स्मूथ सा मसाला बन जाए। तो यहाँ पर हमारे टमाटर हो गए हैं मैश, मसाला तैयार हो गया है। अब बारी है भुनाई की। भूनते वक्त हमने इसमें ऐड करना है काली मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और साथ ही हमने इसमें ऐड करनी है ग्रीन चिल्ली। इसके बाद हमने इसको अच्छे से भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। भूनते हुए जब हमने इन इंग्रेडिएंट्स को डाला है, इससे क्या होगा, जो जिंजर चिकन का टेस्ट है उसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी इन्हांस हो जाएगा। तो जी यहाँ पर हमारा जिंजर चिकन हो गया तैयार। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। डिश आउट करने के बाद हम इसको करेंगे गार्निश विद ग्रीन चिल्ली, लेमन स्लाइसेस एंड चॉप्ड जिंजर। आप आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।